हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन्स। गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को ब्लैक एंड इक्वा टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से और भी स्पेशल अमेजिंग ट्रिक के साथ, ठीक है, जो आपने कभी ऐसा टोन नहीं देखा होगा ब्लैक एंड इक्वा टोन में। तो गाइस, आज मैं बहुत ही कोशिश करने के बाद ये एडिटिंग को कंप्लीट किया हूँ और आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम इस वाले टूल पे जिसका नाम हम मास्किंग एंड सेलेक्टिव टूल के नाम से जानते हैं। तो गाइस, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें से हमको स्लाइड करते हुए नीचे आना है कलर रेंज के ऑप्शन पे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से सर्कल में पॉपअप होते हुए दिखाई देगा, तो यहाँ से इसे हम स्लाइड करते हैं, हमें जो भी कलर को सिलेक्ट करनी है उससे हम रखेंगे। तो मुझे जो नीचे का ग्रीन पार्ट है इसे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से रिफाइन एंड इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, 40 रखता हूँ। एंड यहाँ नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कलर पे जाना है इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाना है हमें नीचे कलर पे एंड यहाँ से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपने फिंगर को स्लाइड करते हुए कुछ इस टाइप से हम मिला लेंगे। आपको जिस भी कलर को रखनी है उस कलर को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से मिला देता हूँ, तो इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लगभग इतना, ठीक है। एंड यहाँ इसकी ह्यू है 171 एंड सेचुरेशन है 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को हम 22 रखते हैं एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड माइनस करने के बाद यहाँ से हम इसकी वैल्यू को -30 रखते हैं एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो गाइस, आप वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिए, आगे बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। तो इसे हम -59 रखते हैं एंड क्या करेंगे, यहाँ से हम टिक पे साइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें कलर पे जाना है फिर से एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू को हम 33 रखते हैं एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को हम +23 रखते हैं एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेंस की वैल्यू को हम यहाँ से +30 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सबसे पहले हम अपना स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम -18 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारा स्किन टोन है वो ब्राइट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम +29 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100। तो देख सकते हैं कुछ कमाल की चीज़ होने वाली है बोले थे, तो यहाँ पर हमारी जो कमाल की चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम -100 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम -10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -100। तो हमारा जो बैकग्राउंड है ऊपर की ओर तो डार्कनेस आ चुकी है, ठीक है, ब्लैक टोन में। तो यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम 30 रखते हैं
एंड ऊपर कर देंगे डन। सो गाइज जो भी हमारा फोटो का ऊपरी हिस्सा है उसमें फिर से हम जाएंगे ब्लैक टोन डालने के लिए ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लुमिनेंस की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो लुमिनेंस की वैल्यू को हम यहाँ से -39 रखते हैं एंड यहाँ से वैलेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वैलेंस की वैल्यू को हम -20 रखते हैं। सो गाइस अब हमारी जो फोटो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ऊपर में क्या करना है, ऊपर में कर देना है डन। एंड फिर से हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे नेक्स्ट, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसे -0.10 रखते हैं एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो गाइस इसे हम +8 रखते हैं एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं -10। तो गाइस हमारी जो फोटो है काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। इसे और बेटर बनाने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। तो गाइस जो हमारा इफेक्ट का ऑप्शन है वो फोटो एडिटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो भी इसकी वैल्यू है, जो भी इस ऑप्शन है उसकी वैल्यू को हम सही तरीका से परफेक्ट रूप से मिलाएंगे तो हमारी जो फोटो है वो और काफ़ी अट्रैक्ट लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो टेक्सचर की वैल्यू को हम +30 रखते हैं एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को हम +28 रखते हैं एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो डीएच की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम -10 रखते हैं एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को हम +70 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को हम +25 रखते हैं एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को हम +14 रखते हैं एंड ये नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसे हम +8 रखते हैं। एंड सबसे लास्ट में जाते हैं लेंस आइकन पे, इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन को ऑन कर देंगे एंड इनेबल लेंस करेक्शन इसे भी हम ऑन कर देंगे। सो गाइज इस फोटो में हम जो फोटो के एडिटिंग सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा फोटो भी काफ़ी बेटर बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोग जूम करके दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आपको एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।